हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स बताऊंगा। इसके पहले क्लास में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बताया था। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है आपका, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइजेज 1 to 7 प्रूव दैट इतना इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इसमें 7 क्वेश्चन है, 1 to 7। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, एक्सपेंड कहने का मतलब रो और कॉलम के सहारे जो हम एक्सपेंड करते थे वो नहीं करना। जो हमने पिछले वीडियो में बताया आपको प्रॉपर्टी, उसी की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, इतना हम लेके चल रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टी आपको 5 में बताए थे इस तरह का था, तो अलग अलग करके दो डिटर्मिनेंट के रूप में हम लिखते थे। आइए इसको लिखते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, इसको अलग कीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हैं यहाँ पर, यूजिंग प्रॉपर्टी 5 हमने पिछले वीडियो में बताया है सभी प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए, यहाँ देखिए आपका कुछ मिल रहा है। देखिए C1 एंड C3 आइडेंटिकल है। हम बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, आइडेंटिकल है, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा आपका। ये देखिए, यहाँ पर आपका C2 और C3 आइडेंटिकल है। ठीक है, रीजन लिख सकते हैं, चूंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, एंड C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, इसमें आपका C2 C3 है और इसमें क्या है, C1 C3 है। यही आपको दिखाना था ना, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिखाना है, इतना इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि R1 और R2 को ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, लिखते हैं अप्लाइंग, R1 को अप्लाई कर रहे हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, देखिए क्या मिलता है आपको, a माइनस बी, ठीक है, इसको भी जोड़ना है, प्लस बी माइनस सी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी।
अब इसको देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया आप लिखिए, आपका बच गया ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, अब देखिए ये और ये मिलता जुलता है यदि माइनस को कॉमन निकाल दिया जाए। माइनस कॉमन लेते हैं हम, ठीक है, आर वन में ही ले लेते हैं माइनस कॉमन। देखिए टेकिंग माइनस वन कॉमन, ठीक है, फ्रॉम आर वन, आर वन से मैं कॉमन ले रहा हूँ। देखिए क्या क्या आता है आपका, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकल रहा है, यानी ये इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। समझ गए, अब देखिए बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब देखिए अब इसमें आपका दो रो है आइडेंटिकल हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना। लिख देंगे हियर आर वन एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसलिए इतना का वैल्यू क्या आ गया, जीरो, प्रूव्ड हो गया। चूंकि हम पढ़े हैं प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट में टू रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। आपका क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी जीरो दिखाना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2765 3875 5986। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ देखिए ये दोनों के लेवल का यहाँ पर लाते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऐसा करते हैं इसको 63 प्लस 2 लिखते हैं, इसको 72 प्लस 3 लिखते हैं, चलिए मिल जाएगा 235, ठीक है, 789। इसको लिखते हैं 63 प्लस 2, इसको लिखते हैं 72 प्लस 3, और इसको लिखते हैं 81 प्लस 5, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी 5 यूज करते हैं, दो डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे 235789, फिर 63 72 81 प्लस 235789235। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, यूजिंग प्रॉपर्टी 5, पांचवा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाते हैं इसके आगे 235789 63 72 81 प्लस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए 9 आपका कॉमन मिलेगा 235789, ये देखिए 9 यहाँ से कॉमन मिलेगा, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 91। अब ये
C3 से 9 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, 9 को हम बाहर निकाल देते हैं, 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ क्या बच गया आपका 7, 8, 9। अब देखिए ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 9 इंटू इसका वैल्यू हो गया 0। रीजन क्या हो गया, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, इसलिए आपका क्या आ गया 0 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है कि इसमें भी आपको 0 दिखाना है। देखिए सॉल्यूशन लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, 1, 1 BC CA AB AB plus C BC plus A CA plus B, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ये दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, 1, 1, 1, ठीक है। यहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग, ठीक है ना, C2 के लिए करते हैं C2 plus C3, देखिए तो हो जाएगा BC plus AB plus AC, इसको साथ में गुना करके लिख रहे हैं, ठीक है, CA plus BC plus BA, ठीक है, AB plus CA plus CB, ठीक है, AB plus C, यहाँ हो जाएगा BC plus A CA plus B, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये तीनों एक ही हैं, ठीक है, AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, ये तीनों को कॉमन निकाल लेते हैं, तीनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा AB plus BC plus AC, ये बाहर निकाल दिए, 1, 1, 1, यहाँ क्या बच गया 1, 1, 1, AB plus C BC plus A CA plus B। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 0। रीजन लिख सकते हैं चूंकि सिंस, ठीक है, C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, यानी तो आइडेंटिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल, देयरफॉर इतना इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिखाना है, इतना इज इक्वल टू इतना, देखिए चलते हैं सॉल्यूशन। लेट B plus C Q plus R Y plus Z C plus A R plus P Z plus X A plus B P plus Q X plus Y, इसको प्रॉपर्टी 5 का यूज करते हैं, देखते हैं क्या आता है, इसमें लगाते हैं रो 3 में B plus C Q plus R Y plus Z C plus A R plus P Z plus X A P X, ठीक है, इसको देखते हुए काम हम कर रहे हैं, प्लस B plus C Q plus R Y plus Z C plus A R plus P Z plus X, और क्या हो जाएगा BQY, ठीक है, इसको मान लेते हैं डिटर्मिनेंट 1, ठीक है, और डिटर्मिनेंट 2 उसको मान लेते हैं, कहते हैं इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू लेकर के सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, यहाँ देखिए
डिटर्मिनेंट वन इजक्ल टू क्या है, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, और क्या है, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए पी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग आर टू को लिखते हैं, आर टू माइनस आर थ्री। ठीक है, देखिए क्या आता है, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, आर टू माइनस आर थ्री, माइनस इसमें लगेगा तो यहाँ सी बचेगा, यहाँ आर बचेगा, यहाँ जेड बचेगा, ए पी एक्स। ठीक है, देखिए सी आर जेड भी मिल रहा है। चलिए अब फिर यहाँ अप्लाई कर देते हैं आर वन माइनस आर टू, अप्लाइंग आर वन को लिखते हैं आर वन माइनस आर टू, देखिए क्या मिलता है आपका, मिल जाएगा, घटाएंगे बी, यहाँ बी बचेगा, यहाँ क्यू बचेगा, यहाँ वाई बचेगा, सी आर जेड ए पी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ कुछ एलिमेंट इसमें मिल रहा है, यही उल्टा पुल्टा है लेकिन मिल रहा है। ये आपका ये आ गया डिटर्मिनेंट फर्स्ट, ये आ गया। अब टू को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, टू आपका ये है, इधर हम मिटाते हैं अभी। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट टू है, इसको लेके चलते हैं अगेन। डिटर्मिनेंट टू इजक्ल टू क्या है, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स बी क्यू वाई। ठीक है, अप्लाइंग आर वन माइनस आर थ्री वी गेट, देखिए क्या आता है, यहाँ बच जाएगा C, यहाँ बच जाएगा R, यहाँ बच जाएगा Z, C प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स बी क्यू वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ घटा देते हैं। ठीक है, इसको घटाते हैं, इसमें लिख देते हैं अप्लाइंग आर टू को। ठीक है, आर टू माइनस आर वन वी गेट क्या आएगा, देखिए सी आर जेड यहाँ बचेगा ए, ठीक है यहाँ बचेगा पी और यहाँ बच जाएगा एक्स बी क्यू वाई, ये आ गया। ठीक है, अब हमें मिलान करना है कि हमें क्या क्या लाना है। ठीक है, ए पी एक्स ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है बी क्यू आई या सी वाला नीचे होना चाहिए। चलिए इसमें हम अप्लाई करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इंटरचेंज करते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला यहाँ आना चाहिए तो पहले इसके साथ इंटरचेंज हम कर रहे हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इजक्ल टू यहाँ देखिए इंटरचेंज करेंगे आर वन इंटरचेंज आर टू, इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए पी एक्स, ठीक है और सी आर जेड और यहाँ हो जाएगा बी क्यू वाई, इंटरचेंज किए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस निकालेंगे हम, क्योंकि एक बार इंटरचेंज किए हैं, पुनः फिर इंटरचेंज करेंगे हम, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, माइनस वन हो गया यहाँ, ठीक है ये माइनस वन, फिर इंटरचेंज करेंगे हम यहाँ आर टू इंटरचेंज आर थ्री। ठीक है, तो उस रूप में आ जाएगा मेरा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस निकलेगा तो माइनस, इंटरचेंज एक बार किया तो माइनस, फिर पुनः इंटरचेंज किए तो यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, यानी मेरा क्या आ गया ए पी एक्स
BQYCRZ, यानी डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। चलिए इसी प्रकार हम यहाँ इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखिए B है, B को नीचे यहाँ लाना है, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं क्या, CRZBQY, ठीक है। यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम R1 इंटरचेंज R2। यहाँ भी -1 निकलेगा, एक बार इंटरचेंज किए APX। फिर यहाँ पर इंटरचेंज अभी हम करेंगे हम, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। किसके लिए कर रहे हैं हम, यहाँ देखिए हमें लाना है सी नीचे, ठीक है। ये तो आ गया है, यानी R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, R1 इंटरचेंज R3। तो देखिए क्या हो जाएगा, APX, ठीक है, BQY और CRZ, ठीक है। ये माइनस खत्म हो जाएगा, चूँकि एक बार इंटरचेंज के तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आपका किसका वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट 1 का ये वैल्यू आ गया, ठीक है, APX, BQY और CRZ, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ पर हम, जो हम मान के चले थे, ठीक है, ऐसा करते हैं यहाँ बना देते हैं, ठीक है, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। चूँकि हमारा था डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2, अब दोनों का वैल्यू हम पुट करते हैं, देखिए क्या आता है। हम इसको लेके चले थे डिटर्मिनेंट, और इसका दो वैल्यू हम निकाले थे, देखिए डिटर्मिनेंट 2 ये है, डिटर्मिनेंट 1 ये है आपका, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट 1। अभी दोनों को ऐड करते हैं, चूँकि हम अलग अलग उस समय ऐड किए थे, तो डिटर्मिनेंट 1 क्या है आपका, ये है APX BQY CRZ प्लस, यहाँ भी देखिए डिटर्मिनेंट 2 आपका है, ठीक है, APX BQY CRZ, दोनों सेम है, ऑल एलिमेंट सेम है, इसलिए जुट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1, ये की हो गया 1, दो ये दोनों मिला के 2 हो गया, सेम यही चीज़ आ गया, यानी आपका ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 APX BQY CRZ, प्रूफ्ड हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि इसे भी 0 के बराबर लाना है। देखिए सॉल्यूशन, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 A - B - A 0 - C और BC 0। इसको क्या करेंगे हम, देखिए अप्लाइंग R1 को हम गुना कर रहे हैं C/C से, ठीक है, गुना करते हैं 0, ये तो 0 हो जाएगा, AC/C - BC/C - A0 - C BC 0। अब क्या करते हैं, ये C बाहर निकाल दीजिए, 1/C कॉमन ले लिया हम R1 से 0 AC - BC - A0 - C BC 0, ठीक है। पुनः अप्लाई करते हैं हम फिर से, अप्लाइंग R1 को हम लिखते हैं R1 - B R2, देखिए क्या मिलता है, 1/C, ठीक है। R1 को देखिए 0 - B R2, तो माइनस माइनस प्लस AB हो जाएगा, ठीक है, 0 - - प्लस AB, तो AB हो गया यहाँ, ठीक है, AC - BR2, तो AC हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, -BC, अब -BC - प्लस BC, तो क्या हो गया, ये 0, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, -A 0 - C BC 0,
अब देखिए R1 और R3 में कुछ लग रहा है, मिलजुल रहा है। यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं AYC, तो यहाँ बचा BC0 माइनस A0 माइनस BC0। देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों? चूँकि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, देयरफॉर किचन मान का वैल्यू क्या आ गया, 0, प्रूव्ड, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या आपको दिखाना है, इतना इक्वल टू इतना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस a² ab ac ba - b² bc ca cb - c². क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। क्या किए, R1 से A निकालें कॉमन और R2 से B और R3 से C। देखिए क्या आ गया, A B C, ये कॉमन निकल गया। क्या बचा यहाँ, माइनस A B C A - B C, यहाँ A यहाँ B यहाँ माइनस C, ये निकल गया। अप्लाइंग, ठीक है, R2 को लिखते हैं R2 + R3। देखिए क्या आता है, A B C - A B C। अब देखिए R2 को लिखते हैं R2 + R3, ये आ गया 2A, ये हो गया, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं 0, और ये भी हो गया 0। यहाँ क्या बच गया, A B - C, ठीक है। अब क्या करते हैं, R3 को लिखते हैं R3 + R1। देखिए यहाँ बनाते हैं आगे A B C, ठीक है। अप्लाइंग R3 को लिखते हैं R3 + R1, वी गेट, देखिए क्या होगा, -A B C, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 2A 0 0, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं 0 हो गया, इसको ऐड कर रहे हैं 2B हो गया, इसको ऐड कर रहे हैं 0 हो गया। A B C सी 2A 0 0 2B, इसको सॉल्व कीजिए, सी 2 2 = 4, 4AB - 0, यानी हो गया A B C C, ठीक है, यहाँ 4AB, यानी हो गया 4A² B² A² B² और C² यही दिखाना था आपका, आ गया, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 8 से आगे बताऊंगा। तो अंत में पुनः आप सबों से आग्रह है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, धन्यवाद।